गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट टेस्ट, जो अगस्त यूनिट टेस्ट होंगे, उन अगस्त यूनिट टेस्ट के पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे, और आपने किस टाइप से अगस्त टेस्ट के अंदर, जो भी आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है, उस यूनिट टेस्ट में किस टाइप के बेटा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपने उन क्वेश्चंस को किस टाइप से अप्रोच करना है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान रहे बेटा, जैसा कि आपको जो कंप्लीट जो थ्योरेटिकल पोर्शन करवाया गया है, उस थ्योरेटिकल पोर्शन को एक बार अच्छे से रीड आउट कीजिए। उसके बाद उनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आप अप्रोच कीजिए। एनसीईआरटी के बाद आप बेटा बहुत ईजिली एमसीक्यू क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे। तो आप देखोगे इन एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर बेटा एक मल्टी कॉम्प्लेक्स, मतलब जो मल्टी कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। मल्टी कंसेप्ट मीन्स बेटा आपकी एक केमिकल रिएक्शंस, फिर आप उसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड केमिकल ओकेशन, फिर आप उसी केमिकल ओकेशंस के अंदर थर्ड केमिकल ओकेशंस का यूज़ करोगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से, एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से क्लियरली उसको एक्सप्लेनेशन देनी है, क्योंकि अगर आप एक रोंग ऑप्शन को भी आप एक अच्छे से क्लियर करते हो, तो आप देखोगे उस रोंग आंसर को चूज करने में भी आप अपने इस यूनिट से रिलेटेड दो या तीन कंसेप्ट को उसके ऊपर अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद वो कंसेप्ट आपके बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन श्योरिटी मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ 45 नंबर बेटा मैंने मेंशन कर रखा है। तो इस 45 क्वेश्चंस को हम अप्रोच करने वाले हैं। क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोकेन फॉलो द ऑर्डर। आपको बेटा फोर ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, उन फोर ऑप्शंस को आपने ट्राई करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आर आई आर बी आर और आर सी एल। आर मीन्स सभी को पता है बेटा एक अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और आयोडीन जुड़ा हुआ है। तो आपने ध्यान रखना है जब भी बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए हमेशा ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को चेक किया जाता है। और आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है जो भी हैलोकेन्स हैं, उन हैलोकेन्स के अंदर सिंपल वंडरवाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, और वंडरवाल फोर्सेस हमेशा ही साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो आपने बेटा सिंपल सा कंसेप्ट यूज होगा, जिस मॉलिक्यूल का साइज ग्रेटर होगा, लार्जर होगा, उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है। तो आप क्लियरली इन फोर ऑप्शंस को सॉल्व आउट किए बिना ही बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर आप अप्रोच कर सकते हो। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता है आर आई आर बी आर और आर सी एल में से कौन सा मॉलिक्यूल सबसे बिगर साइज का है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है बेटा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के साथ आयोडीन जैसे ही अटैच होगा, इस मॉलिक्यूल का साइज बेटा सबसे बड़ा है, उसके बाद आर बी आर मॉलिक्यूल का रहेगा, और इसके बाद आर सी एल का ज़्यादा रहेगा। ओके, तो जिस मॉलिक्यूल का साइज जितना ज़्यादा लार्जर है, उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होने वाला है। तो आप अपना आंसर आप बहुत ईजिली क्लिक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा बेटा वो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, आर आई आर बी आर और आर सी एल। ओके, तो इस टाइप से आपका बेटा जो क्वेश्चन आपने अप्रोच करना है, ऐसा नहीं है कि आपने बेटा डायरेक्ट उस ऑप्शन के ऊपर जाना है। आपने जो भी कंसेप्ट सीखे हैं उन कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद ही आपने अपने आंसर को कन्फर्म करना है। ओके, अब सेकेंड पार्ट देख सकते हो, सेकेंड पार्ट के अंदर आपको गिवन है द कायरल कंपाउंड इज। तो ध्यान रहे कायरल कंपाउंड्स का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल्स बेटा, ऐसा मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के अराउंड बेटा फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, मींस इस कार्बन के अराउंड एक्स वाई जेड एंड अनदर कोई पी है, इस मॉलिक्यूल्स के अराउंड, इस कार्बन के अराउंड फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, अगर वहाँ पे फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो उस मॉलिक्यूल को हम कायरल कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। ओके, ये बात बेटा मैंने नेक्स्ट लेक्चर, मींस आपकी जो रेगुलर क्लास थी, रेगुलर क्लास से हटकर इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर आपको दिया था, उस लेक्चर को आप देखिए, उस लेक्चर को देखने के बाद कायरल कंपाउंड आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो।
तो बहुत अच्छे से बेटा, अगर आपको कायरल कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्लियर है तो डेफिनेशन को बेटा अप्लाई करते हुए आप अपना क्वेश्चन, अपना आंसर बहुत इजीली क्लिक कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर कायरल कंपाउंड की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो चुकी है। डेफिनेशन क्लियर होते ही आपने यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते ही अगर आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल बेटा दिख जाता है, ऐसा मॉलिक्यूल आपके इस स्ट्रक्चर्स के अंदर बन जाता है जिस मॉलिक्यूल में कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, तो वही आपका क्लियर आंसर रहेगा। तो आप डी ऑप्शन बेटा यहाँ पे देखना, डी ऑप्शन के अंदर कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो इस कारण आपका डी आंसर एक करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट इन द फॉलोइंग्स। तो ध्यान रहे यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स में CH3 के साथ F अटैच है, CH3 के साथ Cl अटैच है, CCl4 अटैच है, CH3 के साथ आयोडीन अटैच है। तो ध्यान रहे यहाँ पे CCl4 इज अ सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर इट हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट्स, मींस दिस मॉलिक्यूल हैविंग द नॉन पोलर नेचर। तो अब आपका आंसर रहेगा बेटा इन तीन ऑप्शंस के ऊपर। ओके, तो इन तीन ऑप्शंस के अंदर आपने अप्रोच करना है। तो क्लियरली ध्यान रहे बेटा यहाँ पे हमारा जो आंसर अप्रोच कर रहा होगा, आपकी अकॉर्डिंग, आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं उन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो आप ऑप्शन ट्राई करने वाले हो, दैट इज CH3F, दैट इज CH3F। ओके, बिकॉज फ्लोरिन हैविंग द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट क्लियरली बेटा ध्यान रखना है आपने कि CH3Cl एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हम एक्सेप्शनल कंसीडर करते हैं, बिकॉज CH3Cl के अंदर जब भी हम एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं वो कंसेप्ट रहता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, बिकॉज क्यू एक आपको चार्ज प्रोवाइड कर रहा है और डी यहाँ पे एक डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम Q का फैक्टर जनरेट करते हैं, मीन्स Q का फैक्टर अप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर CH3F आना चाहिए। बट ध्यान रहे CH3Cl एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर Q भी अप्रोच करता है, मीन्स चार्ज भी अप्रोच करता है, इसके साथ साथ यहाँ पे बेटा D का भी बहुत बड़ा रोल होता है, मीन्स डिस्टेंस फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, तो आपका फाइनल आंसर जो मिलता है दैट इज CH3Cl। ओके, तो ध्यान रहे बेटा इस टाइप से आपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अप्रोच करोगे 48 क्लोरोफॉर्म फ्रियोन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोबेंजीन। तो फ्रियोन्स की आपको डेफिनेशन मैं क्लियर करवा देता हूँ यहीं पे, उसके बाद इसका आंसर जो रहेगा वो सिंपल आंसर है बिल्कुल ही। तो फ्रियोन्स बेटा एक ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं क्लोरो और फ्लोरो के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्लोरिनेटेड एंड फ्लोरिनेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बन आर नोन एज अ फ्रियोन्स। ओके, जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं उन रेफ्रिजरेटर के अंदर बेटा जो गैस भरी गैस फिल की जाती है कूलिंग के लिए, जो गैसेस होती है एसी के अंदर जो गैस होती है वो फ्रियोन्स के थ्रू ही, मींस उनके अंदर फ्रियोन्स को ही फिल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इजीली आप क्लियर कर सकते हो, 49 क्वेश्चन, 49 को बेटा खुद करना है बिकॉज हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट शीट के अंदर आपको क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ट्राई करें और ट्राई करने के बाद आज इवनिंग तक इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बेटा मेरे को आपने सेंड करना है विद सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि आपने बेटा A, B, C और D लिखकर भेज देना है, ऐसा कुछ नहीं करना, आपने अपनी नोटबुक लेनी है, उस नोटबुक के ऊपर इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट कीजिए, सोल्व आउट करने के बाद ही आपने इन क्वेश्चंस का आंसर मेरे को सेंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दिस इज 53 क्वेश्चन। तो आपने देखा यहाँ पे अल्काइल हैलाइड मींस C6H5Cl CH3Cl दोनों आपस में कंडेंस हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम, टू मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम। तो जैसे ही 2 मोल सोडियम के साथ हमने रिएक्शन करवाई थी, वन इज बुड्ज रिएक्शन, नेक्स्ट इज फीडिंग रिएक्शन। बुड्ज रिएक्शन के अंदर आपने पढ़ा कि अगर दो सिंपल एलिफेटिक कॉम्प्लेक्स, सॉरी सिंपल हेलोलकेन कॉम्प्लेक्स आपको अल्केन की फॉर्मेशन कर देते थे बुड्ज रिएक्शन के अंदर, फिटिंग रिएक्शन के अंदर दो एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स
रिएक्ट करके एक एरोमेटिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते थे, बट इन बुर्ज फिटिंग रिएक्शन वन इज एलिफेटिक एंड अनदर इज एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स। एलिफेटिक और एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स दोनों मिलकर आपको एक इस टाइप का कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप देख सकते हो वन इज देयर इज वन इज एलिफेटिक एंड अनदर इज एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स, ओके। और ये दोनों हमारे को एक कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। तो आपने इस टाइप से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम बेटा फ्री आएगी अगर आप इन क्वेश्चंस को डिस्कशन करके देखोगे। तो आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से इजीली बेटा ईच पार्ट्स के ऊपर आपने मेहनत करनी है, कि अगर किसी भी पार्ट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्लियरली आंसर दिख रहा है, आपने थर्ड अनदर ऑप्शंस को ट्राई नहीं करना। तो अनदर ऑप्शंस के ऊपर भी आपने ट्राई करना है कि ये वाले आंसर क्यों नहीं आए। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हो तो कंप्लीट यूनिट भी रिवाइज होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ओके, थैंक यू।